हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेडली रेवगर गेमिंग में। मेरा नाम है रेवगर। तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग जा रहे होते हैं रोजोक में, और साथ में एकदम चिपक के यहाँ पे एक स्क्वाड कूद गई होती है, जिसकी वजह से मुझे बगल वाले घर में उतरना पड़ता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है। अब हर वाले इनका पहले आ रहा। मैं ठीक हूँ। एक काम कर, अंदर है, अंदर 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 अंदर। तो यहाँ पे एक एक करके इस स्क्वाड के तीन बंदे खत्म हो जाते हैं, सैफ भाई निपटा देते हैं। मैं यहाँ पे चौंधिया या घूम रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। इनका चौथा बंदा ऊपर वेयरहाउस की तरफ उतरा होता है, लेकिन मुझे उससे अभी कोई मतलब नहीं था। मैं यहाँ पे सबसे पहले लूट लपेटना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे शॉटगन बिल्कुल नहीं पसंद। तो यहाँ से लूट उठ उठाने के बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, कि मुझे एक बंदा दिखता है। Marked a location. यहाँ पे वो बेचारा बंदा टीपीपी ले रहा होता नीचे वाली स्क्वाड के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे साइड से उसे मिनी से लपेट देता हूँ। और नीचे स्क्वाड वाला उस पर रश मारता है, लेकिन उसे वहाँ पे मिलता ही नहीं। वो सोच रहा होता है ये गायब कहाँ हो गया। और मैं उसे भी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। और हम लोग जब आगे रश मारते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा फॉल बैक मार के जा चुके होते हैं। एक ही है, जाओ ऊपर जाओ, हम जा रहे हैं पीछे बोल दे। ऊपर ही होगा गाड़ी। आई का है भैया, आके किराए पर दे आए हो का। हम लोग इस बंदे के मुंह के आगे टहल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के सामने बड़ी ग्रेनेड खोल रहा होता है। बताओ, यहाँ पे इनके चूतियापे की वजह से इनकी पेटी बन जाती है। लेकिन इनके चूतिया बंदे जो है अभी ऊपर साइड में बचे हुए थे, तो इनको भी देखना पड़ेगा। बहुत देर से चूतियापा मचा रखे हैं, वहाँ टप टप लगे पड़े हैं। तो वहाँ पे ऊपर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था, अब यही टाइम था यहाँ पे रश मारने का इनके ऊपर। आ गया तो यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म हो गई थी। और अभी हम लोग लूट भी नहीं पाए थे कि तब दूसरी स्क्वाड वाले गार्ड में उंगली करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कितनी टीमें आ रखी हैं, क्योंकि एक बंदे ने मुझे घर की साइड से नॉक किया था डीपी से, कि तब तक हिल पे आके M24 चलने लगती है। तो मैं यहाँ से भाग के चला जाता हूँ घर के अंदर, क्योंकि बाहर से कहीं से भी पड़ सकती थी गोलियाँ। तो हम लोग थोड़ी देर इसी घर पे रुकते हैं, यहाँ से एंगल देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बंदा दिख नहीं रहा होता जिससे बढ़िया एंगल बन जाए कोई। और साहब भाई ने यहाँ पे चला दी होती है फ्लेयर, तो फ्लेयर भी आ गई थी अपनी। और फ्लेयर में से मैं ओम उठा लेता हूँ, आगे चल के आपको ओम के शॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ से फ्लैंक मारते हैं राइट साइड से, जिधर एक बंदा था, ताकि अगर वो मिल जाए तो उसे उधर निपटा दें। लेकिन वो तो इधर मिलता नहीं, और रिज पे बंदे दिखते हैं हम लोगों को। ये दो लेटा
ये नागिन शायद वही था जो कि मुझे डीपी से नॉक किया था पीछे। अब ये फ्लैंक मार के उनके पास लेट के उन्हें नॉक करने पहुंच गया था, तो इसे तो यहाँ पे मैं निपटा देता हूँ। लेकिन अभी रिज पे और भी बंदे बाकी थे, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं रिज की तरफ। मार पड़ी है सब हम लोगों की। वो देखो प्रॉपर मार रही है, ये देखो ये मौका तो बहुत जबरदस्त है भाई। यहाँ पे मैंने जिस बंदे को अभी नॉक किया है, मिस्टर नूब नाम का बंदा, इसका नाम याद रख लेना क्योंकि ये हम लोग को आखिरी में भी मिलेगा। तो मैंने अभी अभी एक मिनट पहले यहीं पे एक नागिन को टपकाया था और अब जाके यहाँ पे दूसरी नागिन वहीं पे लेट गई आके, तो इसको भी यहाँ पे टपका देते हैं और अब अपना आगे निकल लेते हैं हम लोग। इस बंदे की किस्मत बहुत अच्छी चल रही लग रहा है क्योंकि इसके दो शॉट पहले मारे थे तब ये नॉक हुआ था, और इस बार भी एक शॉट मारता हूँ लेकिन फिर भी हेड नहीं कनेक्ट होता। गाड़ी भाग रही है। देखा क्या कहा था, इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी चल रही क्योंकि अब की मैंने हेड पे एम रख लिया लेकिन तब तक साला हिल जाता है वो, उसके हेड ही नहीं पड़ता। तो अब बहुत देर हो चुकी थी, तो हम लोग सोचते हैं अब साला सीधे रशी मार दिया जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग आगे रिज पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ से बंदे गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई मिल जाती है हम लोगों को घरों के पास, तो वहाँ से हम लोग गाड़ी उठा के फिर हम लोग भी निकल लेते हैं जोन में। तो जोन में घुसते हम लोगों को यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक यूएस लगी हुई दिखती है, तो हम लोग गाड़ी सीधा ठोक के रश मार देते हैं इन पे। तो हम लोग यहाँ पे नेड बारी करते हैं आके, लेकिन यहाँ पे नेड से उसका कुछ होता नहीं लेकिन वो खुद ही रश मार देता है हम लोगों के ऊपर, तो उसको हम लोग यहाँ पे निपटा देते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही बंदा होता है, तो यहाँ से भी फिर हम लोग निकल लेते हैं जोन में और अंदर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे रुक के ड्रॉप देख रहे होते हैं कि तब तक तो ये उसी बंदे की गाड़ी थी जिसको मैंने रोजोक पे नॉक किया था। ये लोग साले अभी तक सरवाइव करके यहाँ तक टहल रहे होते हैं, बताओ ये फुल स्क्वाड होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से आर्म के शॉट मारने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे स्नाइपिंग की सेंसिटिविटी मेरी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखी थी क्योंकि मैं स्नाइपिंग बहुत कम करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और तब तक यहाँ पे पीछे से एक और गाड़ी हम लोगों के ऊपर रश मार देती, तो बस देखते रहना। तो यहाँ पे इस स्क्वाड को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन वो पीछे वाले उंगली करने में जुटे हुए थे, मेरी किल टपाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं सबसे पहले किल कंफर्म करता हूँ अपनी। तो पहले यहाँ पे हील मारते हैं, बाद में इनकी गांड मारते हैं। तो यही वो बंदा था जिसे मैंने रोजोक पे भी नॉक किया था, और यहाँ पे मैं दोबारा इसका हेलमेट तोड़ देता हूँ। तुमको अगर एंगल बनाना अपनी गाड़ी से बना लो जाके अभी जोन के अंदर। ये बाबा
तो यहाँ पे गिल्ली छूत वाली नागिन जो है मुझ पे डीपी चलाने की कोशिश कर रही होती है, वो भी लेट के, तो इसे यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अब यही टाइम था कि जोन में निकल लिया जाए। पहले हेल्थ करो, स्मोक एक रखी हो। तो यहाँ पे ये बंदे अपना कॉन्करर वाला दिमाग लगा रहे होते हैं, मुझे घेर के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बस देखते रहना कि इनसे कैसे निपटता हूँ मैं। देखो स्मोक ही बोल रहा था, मैं स्मोक कर रहा हूं, स्मोक देखो। हां जी, ये लोग दो दो स्मोक कर रहे हैं। तो इस गिली सूट वाले ने बोला होगा कि मुझे कवर देना, मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन लगता है इसके पीछे बब्बर की तरह का बंदा खड़ा हुआ था, इसीलिए इसे कवर नहीं मिलता और यहाँ पे इसकी पेटी बन जाती है। लेटा होगा ध्यान से, इसमें उधार लो करना बनना। हाँ दो में उन्हीं के होंगे आसपास, दो वो देखो भी पाए। हाँ हाँ पीक करेगा सर। तो मुझे लग रहा था कि दोनों बंदे आगे की तरफ होंगे, लेकिन एक बंदा लेफ्ट से M249 चिपकाने की कोशिश करने लगता है मुझे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट वाली नागिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। आरपीआर के पास तो हूँ, लेफ्ट वाले दोनों पर ध्यान दियो, राइट वाला एक बार को स्मोक यूज करो। अब एक तरफ एंगल लो, हाँ जो वाला ब्लॉक करो एक टीके की उधर वाले में। हाँ ले लो, अब लेफ्ट वाले पे ध्यान दो, अब लेफ्ट वाले पे ध्यान दो। तो यहाँ पे लास्ट वाला बंदा इतने ज्यादा फ्री फायर मार रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे निपटा देता हूँ, इसका टोपा मेरे आंखों के सामने उड़ जाता है। तो इस वीडियो में आपको दो चीजें देखने को मिली होंगी, एक तो मेरा गेम प्ले, दूसरा सैब भाई की कॉल्स, इसी वजह से हम लोग इन्हें IGL बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, अगर नए हो तो भाई क्या कर रहे हो, किसी मुहूर्त के इंतजार में हो क्या, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गला फट गया साला।